शखा सुग्रीव के कहने पर सभी वानर वीर सीता की खोज के लिए जा रहे हैं। हनुमान, मुझे किसी पर विश्वास नहीं, सीता का पता लगा पाएंगे या नहीं। मुझे विश्वास है तो केवल तुम पर, तुम ही मेरी सीता का पता लगा सकते हो। हनुमान, जहां भी मेरी सीता मिले उसे बहुत प्रकार से समझाना, उसे धैर्य बंधा देना। हनुमान, हनुमान हनुमान, मेरी सीता जहां भी मिले उसे बहुत प्रकार से समझाना और सीता को यह मुद्रिका दे देना। हनुमान, सभी प्रकार उसकी कुशल पूछ, फिर मेरा हाल बता दे, फिर मेरा हाल बता दे। निज दल बल का ले जाओ, जाते जाते तू सुन ले राम वाणी, ले जा मुदरिया। हनुमान ज्ञानी, यह मुद्रिका मेरी सीता को दे देना। हनुमान, ले जा मुदरिया, ले जा मुदरिया। हनुमान ज्ञानी, 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 ले जा मुदरिया। हनुमान ज्ञानी,
जाओ हनुमान। हे मेरे महाप्रभु, हे मेरे महाप्रभु, आप चिंता ना करें, हृदय में धैर्य और नेत्रों से अश्रु को रोक दें। आप महाराज सुग्रीव ने जो हमें समय दिया है, 30 दिन के अंतर्गत ही माता जानकी का पता लगा करके आपके समीप में आएंगे। आप अपने चरणों का आशीर्वाद प्रदान करें। नल्ली लंगा दे जामन जामन जी, चले माता जानकी जी की खोज के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और आप हैं हमारे रमेश आचार्य जी, इनके द्वारा 201 मुद्राएं प्रदान हो रही हैं, समिति की ओर से साधुवाद। आप हैं अशोक राजपूत दुकानदार, इनके द्वारा 1001 मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। आप हैं मुक्ता राजपूत बिलगांव, इनके द्वारा ये 2001 मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। आप हैं अर्पित यादव कल्ला, इनके द्वारा भी 101 मुद्राएं। और आप हैं भारत माता विद्या मंदिर के प्रबंधक प्रदीप उर्फ दीपू आचार्य जी, इनके द्वारा 3100 मुद्राएं सुंदर समिति के सहयोग के लिए प्रदान हुई। और आप हैं बिल्लू रामोतार, संतराम और प्रेमचंद भैया की ओर से भी 101 मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। और एक बालक हमें 500 रुपये दे गया था समिति के लिए, नाम भूल गए हम। जो बेटा अभी दे गए थे तुम 500 रुपये, तो पुनः आकर के नाम बता जाए, हम नाम भूल गए हैं। हनुमत जन में सफल करे आप हैं हमारे भाई रवि भाई राजपूत बिलगांव, इनके द्वारा 501 मुद्राएं सुंदर समिति के सहयोग के लिए। और देखिए जितनी भी हनुमान जी की सेना है अंदर, सब लोग चले आए, किसी को व्यक्तिगत ना बुलाना पड़े। सेना में जो उपस्थित हो सब लोग आ जाएं। पानी ढूंढ रहे हैं लेकिन हनुमान जी खुद ही ढूंढेंगे। हे हनुमान जी, हम सभी बालू बंदर इतनी जोर से प्यासे हैं कि हमें लग रहा है कि बिना पानी के हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। पानी की खोज में चले गए थे क्या? इतनी जोर से प्यास लगी है, कम से कम हमसे तो पूछ लिया होता। हनुमान के रहते हुए कोई बंदर भालू अपने प्राण नहीं देगा। तुम लोग रुको, इस पर्वत पर चढ़ कर के मैं कोई व्यवस्था करता हूँ। चढ़ गिर शिखर विवल से कुछ पक्षी निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? पक्षी। पक्षी और जहां पर पक्षी होते हैं, क्योंकि पक्षी पक्षियों का समूह वहीं पर होता है जहां पर जल होता है। चक्रवात पक्षी, चक्रवात पक्षी जहां पर होते वहां जल अवश्य होता है। चलो उसी ओर चले। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखो 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 ना जामन जी, जैसे ही हम इस विवर में आए, एक देवी विराजमान है और देवी लगता है तपस्या कर रही है। सभी बंदर भालू इन्हें प्रणाम करो। हे देवी, हमारा प्रणाम स्वीकारें। देवी राम स्वीकारें। पूछे निज वृतांत स्व
सुनावा। आप कौन हैं? इस विवर में कैसे? ये तो हम बाद में बतलाएंगे देवी, पहले बड़ी जोरों के साथ हमें तिरसा सता रही है, बड़ी जोर से प्यास लगी है, मानो ऐसा लग रहा है जल नहीं मिला तो हमारे तन से हमारे प्राण निकल जाएंगे देवी। प्यास लगी है, प्राण निकल रहे हैं, लेकिन जाओ, मेरी कुटिया के पीछे सरोवर है, जल पी लेना, फल भी लगे हैं, फल भी खा लेना। क्यों नहीं देवी, जाओ आओ चले सभी लोग। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मज्जन कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चलिया। हाँ सभी लोग फल खाओ, जल भी ग्रहण कर लो, क्योंकि अभी माता जानकी जी की खोज के लिए बहुत दूर जाना है। आओ नयन मूद पुनि देखन, ते सब आपन कथा सुनाई। हे देवी, हमने जल ग्रहण किया, हमारी तृष्णा शांत हो गई, फल खाए क्षुधा शांत हो गई। हम जानना चाहते कि आप कौन हैं और इस विवर में अकेली बैठी हैं, अपना पावन परिचय हमें अवगत कराओ देवी। मेरा नाम स्वयं प्रभा है, हम दो बहनें थी, स्वयं प्रभा और हेम प्रभा, इंद्र के दरबार में नृत्य किया करती थी। और एक दिन मदानो नाम का राक्षस हम दोनों बहनों को हरण करके ले आया। जो मेरी बहन थी हेम प्रभा बहुत सुंदर थी, उसको साथ में ले गया, मुझे इसी विवर में छोड़ गया। जब से मैं इसी विवर में भजन कर रही हूं, क्योंकि जब से मुझे मदानो नाम का राक्षस छोड़ गया था तो मैं रो रही थी, बिलख रही थी। चंद्रमा नाम के ऋषि निकले, उन्होंने देखा कि देवी रो रही है, मुझसे पूछा क्यों रो रही हो। मैंने सारा वृतांत उनको बताया, उन्होंने कहा देवी रो नहीं, तुम प्रभु श्री राम जी का भजन करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। त्रेतायुग के चौथे चरण में प्रभु श्री राम जी के दूत आएंगे, वो तुम्हें दर्शन करवाएंगे। जब से मैं इसी विवर में भजन कर रही हूँ, हम प्रभु श्री राम जी के ही दूत हैं। हे माता, इस समय प्रभु परवर्सल के पर हैं, लेकिन देख रहे हैं कि जिस मार्ग से हम इस विवर में प्रवेश किए थे वो मार्ग हमें देवी दिखाई नहीं दे रहा। अब हम इस विवर से बाहर कैसे जाएंगे देवी? ये विवर घूमती है क्योंकि माया से बनी हुई है, और इस विवर का नाम है रिचविल। सभी बंदर भालू अपने अपने नेत्र बंद कर ले, मैं अभी निकाल रही हूँ तुम सबको बाहर। क्यों नहीं? जय जय श्री राम, जय श्री राम। नयन मोद पुन देखहि बीरा, ताड़े सकल सिंधु के नीरा। देखो ना चामन जी, उस तपस्वी का प्रभाव तो देखो, हमने जे हुई अपने नेत्र घोड़े समुद्र के किनारे आ खड़े हुए। आगे की ओर जाते हैं तो कोई मार्ग नहीं है, इस समुद्र में डूब करके मर जाएंगे, वापस जा नहीं सकते, क्योंकि महाराज सुग्रीव ने हमें 30 दिन का समय दिया था कि अगर हमने 30 दिन के अंदर माता जानकी का पता नहीं लगाया और माता जानकी का बिना पता लगाए हम वापस गए तो हमें मृत्यु दंड दे देंगे। दो प्रकार भाई मृत्यु हमारी, अब हमारी मृत्यु दोनों प्रकार से है। कहते हैं कि जब कोई समस्या का समाधान ना निकले, जब कोई मार्ग ना दिखाई दे, तो फिर सब कुछ अपने ऊपर नहीं ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। यही विधि कथा कहे बहु भाती, गिर कंतरा सुनी संपाती, बाहर होए देख बहु कीसा मोह आहार दीन जगदीशा। मोर आहार दीन जगदीशा, आज विधाता ने बड़ा अच्छा भोजन दिया, ये लाल लाल टमाटर जैसे गाल वाला बन रहा,
और कह रहे कि आज मृत्यु निश्चित है। हाँ ध्यान दें डॉक्टर, तो विधाता ने बड़ा अच्छा भोजन दिया। ए भैया एक एक लोग मरना, क्योंकि मैं ताजा ताजा मांस बहु खाता हूँ। अब भामरण सत्य हम जाना, अब हमारी मृत्यु अवश्य है। अब तो हमारा सुग्रीव के पास भी ना पहुंच पाएंगे और ये पक्षी हमें खा जाएगा। क्यों भैया? अवश्य है, लेकिन ये पक्षी है ना, ये गीद पक्षी है। और एक पक्षी के सामने एक पक्षी की ही चर्चा की जाए, पक्षियों में भी कितना अंतर होता है। अवश्य है, एक पक्षी जो ये है जो हमें खाने की बात कर रहा है, और एक पक्षी वो था जटायु, जिसने प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दे डाली। धन्य जटायु समको नाई, जटायु के समान कोई पक्षी नहीं है। धन्य हो जटायु तेरे माता पिता को। अवश्य ही बदरा, जटायु जटायु क्या कर रहे हो? जटायु कहाँ है? क्यों इससे मतलब? अरे जटायु को बताओ जटायु कहाँ है? वो तो मर गया। जटायु मर गया? मर गया। तुम क्यों रो रहे हो? इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि जटायु मेरा भाई है। इधर आओ, अब ना तुमको खाऊंगा। आ जाओ। अच्छा आ जाओ। जटायु तुम्हारा भाई है? हाँ भाई ने तो कहा भौजाइया। इधर आओ, अपना खाऊंगा। अब नहीं खा जाओगे? अपना खाऊंगा। पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी की सौगंध खाओ। नहीं खाऊंगा। खाता हूँ, आ जाओ। नहीं, पहले ये कहो नहीं खाऊंगा। हाँ नहीं खाऊंगा। पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी की सौगंध खाओ। ये कौन जबरदस्ती है का? और क्या, आप भी क्या बात कर रहे हैं? आप बताओ। ये गिद्ध है और गिद्ध कभी। हाँ ये बात भी सही है। गिद्ध जिंदा मांस नहीं खाते। हाँ नहीं खाते। ये देखो ये समझदार है हनीमून। हे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये पहले बताओ जटायु कहाँ है? जटायु परम धाम को पधार गया है। परम धाम कितने का टिकट कट रहे होते हैं? अरे वो देखिए, भगवान के परम धाम को चला गया है। जटायु की बड़ी ही सुंदर गति हुई है। अब अगर वो मर गया है तो फिर क्या करूं मैं? मर गया है तो तिलांजलि देनी होगी। तिलांजलि देनी होगी। लाओ फिर कोसा लाओ। इसको पकड़ो। ये कोसा है? वानिधि कोसा है जी। ये कोसा की पोलियो ड्रॉप का इंजेक्शन। इसे वानिधि कोसा कहते हैं। आओ बोलो। जैसे हम कहें वैसे वैसे कहना। जैसे जैसे तुम कहोगे वैसे वैसे कहना है। हाँ बोलो बोलो बोलो। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? हम कह रहे हैं कि बोलो। हम कह रहे हैं कि बोलो। अरे तुम्हारी भैया। अरे तुम्हारे भैया। पक्षी तो ही है। पक्षी तो है। तिलांजलि देना है तुम्हें। और तिलांजलि आप है हमारे भाई। पक्षी ही तो है। हाँ तो बोलो। युवराज अंगद जी इसकी चोंच पकड़ लो। पकड़ो। जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे खोलना, छोड़ दिया करो। पिंड पिंड पिंडा पिच पिच पिचा। पिंड पिंड पिंडा पिंड पिंड पिंडा पिंडा ऊपर तीन प्राणी। तीन कैसे प्राणी? एक तुम्हारा भाई, दो दो माताएं तुम्हारी। हाँ हाँ बोलो। पिंड पिंड पिंडा पिंड पिंड पिंडा पिंडा ऊपर तीन प्राणी। पिंडा ऊपर तीन तुम ले जटायु पानी। हम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी। हम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी। मर गए हम जानी। देख लीजिए तीन मोटरसाइकिलें और खड़ी हैं। देख लीजिए भैया व्यवस्था।
आपकी है, तीन मोटरसाइकिलें खड़ी हैं वहाँ स्कॉर्पियो के पास में, तो मोटरसाइकिल वाले भैया भी अपनी गाड़ियाँ अलग कर लीजिए ताकि गाड़ियाँ निकल। तुम्हारा भाई मर गया? हाँ भैया, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारा भाई तुमसे अलग कैसे हो गया। भैया एक समय की बात है, हम एक सेला पर बैठे थे दोनों भाई, अपने पिताश्री की याद आई, अरुण देव जो सूर्यदेव के रथ चलाया करते हैं, अचानक जैसे ही हमें अपने पिताश्री की याद आई, हमने सोचा कि चलो आज पिताश्री से मिलकर जरूर आएंगे। तो गीतों की तीन उड़ाने होती है, धरातली, अर्ध धरातली और आकाशीय। तो पहली उड़ान भरी तो उड़ते 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 कहाँ पहुँचे? जैसे ही सूर्य के नजदीक पहुँचे तो मेरे भाई को गर्मी सताई, उसने कहा कि भैया अब यहाँ से वापस चलते हैं। वो वहां से वापस आ गया, लेकिन मैं अभिमानी किसी की बात ना मानी, मैं और आगे बढ़ा। जैसे सूर्य के ताप के नजदीक पहुंचा तो मेरे पंख जल गए, भुरभुरा गए, मुरभुरा गए, तो मेरा वहां से लुढ़कना चालू हुआ। तो लुढ़कते 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 समुद्र के किनारे पड़ा घोड़ा। यहाँ पर चन्मा नाम की ऋषि आए, उन्होंने कहा तुम यहीं पर पड़े रहो, एक दिन रामदूत आएंगे तो तुम उनकी सहायता कर देना, तो तुम्हारे पंख पुनः उगाएंगे। मेरे मेरे हम प्रभु श्री राम जी के ही दूत हैं, माता जानकी जी का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। आपको आगे जाना है? आगे समुद्र भरा पड़ा है, अपनी माता जानकी को देखा हो तो बताइए। नहीं तो तुमको आगे जाना है। हाँ। सिर्फ जल जल दिखाई दे रहा है, सिर्फ जल दिखाई दे रहा है। वो देखो कहाँ? वो समुद्र के बीच में अशोक की दुकान लगी है। समुद्र के बीच में दुकान कहाँ से आ गई? मैं यहाँ से देख रहा हूँ, त्रिकुट नामक पर्वत है, उस पर लंका बसी हुई है, और लंका में लंका में देखो तो कैसी कैसी राक्षसियाँ टहल रही हैं, कौन कौन राक्षसी लिपस्टिक लगा रही है, और कौन कौन राक्षसी मूंगफली खा रही है। हमें लगता है कि इस संसार में सिर्फ हम ही मिले थे जो हमें तुम बेवकूफ बना रहे। अरे मैं देखो तुम ना। अच्छा तुम देख सकते हो, हम क्यों नहीं देख सकते? गीत ही दृष्टि अपार। ओ ये बात है, गीत की दृष्टि अपार होती है। हाँ। हाँ। लेकिन बूढ़ भयो नहीं कछु करते हो सहाय, तुम्हार बुढ़ा हो गया हूँ वरना तुम्हारी सहायता अवश्य करता। देखो ऐसा है, तुम शारीरिक सहायता नहीं कर सकते तो मौखिक सहायता कर दीजिए। तो बिल्कुल अंगद जी, तुम्हारी सेना में ऐसा कोई बलशाली योद्धा हो जो वहां तक त्रिकुट पर्वत तक पहुंच सके तो सीता मैया का पता अवश्य लगा सकता है। देखो मेरे पंखों ने पी का छाड़ दो, अब प्रभु कहां पर रहे? हाँ ध्यान दे, बर्मा डेंट जो जो जन सागर करई सुराम काज मंदिया